बरेली थाना भमोरा क्षेत्र 20 मार्च ग्राम भिवनी नथा गोटिया प्रेम राजपुर भोलापुर मिल्क माजरा आंवला विधानसभा आदि गांव में जनसंपर्क किया अवंती बाई लोधी महासभा के तत्वाधान में अमर बलिदानी वीरांगना महारानी अवंती बाई लोधी के 166वां बलिदान दिवस के अवसर पर लोधी महारैली होगी। इसकी जानकारी देते हुए अवंती बाई लोधी महासभा के जिला अध्यक्ष मोतीराम लोधी ने बताया, कार्यक्रम में बदायूं पीलीभीत शाहजहांपुर बरेली महाराष्ट्र से लोग आएंगे, जिसमें मुख्य अतिथि महाराष्ट्र के राष्ट्रीय अध्यक्ष लोधी शिव नागपुरे रहेंगे। नारे लगाओ, वीरांगना बाई लोधी अमर रहे, वीरांगना बाई लोधी अमर रहे, वीरांगना बाई लोधी साहिब गुलाब सिंह लोधी, साहिब गुलाब सिंह लोधी, स्वामी रमा लोधी, स्वामी रमा लोधी, बाबूजी कल्याण सिंह, बाबूजी कल्याण सिंह, वीरांगना बाई लोधी। हाँ बताइए, क्या नाम है? मेरा मोतीराम लोधी, जिला अध्यक्ष और भाई लोधी महासभा बरेली। क्या कार्यक्रम होने वाला है यहाँ पे? कार्यक्रम 20 मार्च को बलिदान दिवस है, 20 मार्च को बलिदान दिवस है 166वां बाजार में। इसके मुख्य अतिथि माननीय लोधी शिव नागपुरे जी आ रहे हैं, सीताराम जी, राजपूत जी और डी सी वर्मा जी और बिल वर्मा जी, कई सभी सम्मानित संस्था आ रहे हैं, नेता लोग आ रहे हैं। तो आज लोग किन किन लोगों से संपर्क किया आपने, कौन कौन लोग हैं ये? यहाँ केदारनाथ लोधी जी हैं और सुरेश सीतालाल लोधी जी हैं। कौन कौन से गाँव के हैं सब जी? ये नथा गौटिया ग्राम नथा गौटिया के हैं और ये केदारनाथ भोलापुर के हैं और ये मथुरा प्रसाद हैं जो मजमा ब्लॉक में लगता है औला विधानसभा। छत्रपाल लोधी जी हैं ये और यहाँ समस्त की जनता है, देश की जनता है। तो क्या संदेश देना चाहेंगे आप? संदेश 20 मार्च को जो बलिदान दिवस है उनका 166वां, उसके बारे में बलिदान दिवस धूमधाम से मनाया जाए और सभी लोगों से अपील है कि ज़्यादा लोग आए, इससे उनका सम्मान। कुछ कहना चाहेंगे आप? क्या क्या आह्वान करना चाहेंगे जनता से? कोई आह्वान नहीं, जनता से आने का आह्वान करो। क्या नाम है आपका? हमारा नाम छोटलाल लोधी। कहाँ रहते हैं? मिलिक बजारा। तो 20 मार्च से क्या कार्यक्रम है? रानी अवंती बाई लोधी जी की ये कार्यक्रम कर रहे हैं हमारे, क्या नाम है? जिला अध्यक्ष मोतीराम लोधी जी। ये सभी लोग यहाँ आए 20 मार्च को 20 मार्च को बलिदान दिवस मनाया जा रहा है। कहाँ पे मनाया जा रहा है? दोचरा में। अच्छा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए तो अच्छी बात है, ठीक है, बलिदान दिवस मनाया जाए। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है ओम प्रकाश राजपूत। कहाँ रहते हो? ग्राम मिलिक मजारा। तो क्या कार्यक्रम 20 तारीख का? 20 तारीख को अवंती बाई लोधी की महासभा की मीटिंग होती है हर वर्ष। हाँ, इसमें हम सभी राजपूत लोगों से अनुरोध करते हैं कि इस सभा में आके उसका सम्बोध करें और इकट्ठे हों। कब से कब होता है ये? कितने बजे से शुरू होता है कार्यक्रम? ये 11 बजे से लेके 4 बजे तक। अच्छा, तो ये कौन सी तारीख को है? 20 मार्च। 20 मार्च। क्या नाम है आपका? राम सिंह मोदी। कहाँ रहते हैं? भोलापुर। 20 मार्च का क्या कार्यक्रम है? 166वां बलिदान दिवस मनाएंगे हम सभी लोधी महासभा दूसरा बाजार में रखा है प्रोग्राम और सभी लोगों से हमारा अनुरोध है कि आएंगे भी और लोगों को ट्रालियों से भी संपर्क किया जा रहा है, लोग ज़्यादा से ज़्यादा आने की संभावना भी है और खाने पानी की सबकी व्यवस्था भी रखी जाएगी। कितने बजे तक होगा कार्यक्रम? 10 बजे से लेकर 3 बजे तक। 10 से 4 से। क्या नाम है तुम्हारा? कहाँ रहते हो? मकान से धारा जी। 20 तारीख को क्या कार्यक्रम कर रहे हो? 20 तारीख को रैली में जाएंगे। किस तरह की रैली? अच्छा, कब होगी? 20 मार्च को। 20 मार्च। अच्छा, क्या कहना चाहोगे अपने समाज के लिए? समाज के लिए समझाएंगे और सही अक्षरों में बताएंगे सबको। मतलब आने के लिए कहोगे? हाँ, आने के लिए कहेंगे, सबको समझा के बुला के ले जाएंगे। बुला के ले जाओगे वहाँ पे? हाँ। अच्छा, क्या क्या नाम है? मेरा नाम सीता देवी है। कहाँ रहती हो? मकरपुर धारा से। क्या कार्यक्रम 20 तारीख का? 20 तारीख को महारानी अवंती बाई लोधी का 166वां बलिदान दिवस है जो देवचरा में मनाया जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग आए और गाँववासियों को क्या संदेश देना चाहेंगी? गाँववासियों को मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आए
और हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ाए और अपना सहयोग दे। क्या नाम है आपका? भजनलाल लोधी, मकरंदपुर धारा जीत का रहने वाला हूँ। 20 मार्च के लिए चौथरा में अवंती भाई महासभा की रैली निकाली जाएगी। अच्छा। और इस रैली में भारी संख्या में भीड़ भी होगी और रैली से पहुँचना होगा वहाँ पर। तो सबके लिए, समाज के लिए, समाज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहना चाहोगे समाज के लिए आने के लिए? आने के लिए क्या कहना चाहोगे? आने के लिए सभी को महापन्नी इकट्ठा होना होगा और भारी संख्या में भीड़ भी होगी।